अफसाना घुंघरू, अफसाना निगार, चौधरी मोहम्मद बशीर शाद, एथेंस यूनान, अफसाना खां, अविनाश अमन, पटना बिहार हिंदुस्तान। रुपहली पानदान गुदाज हाथों में थामे, पायल बजाते, ठुमुक ठुमुक नपे तुले कदम उठाते, रति बाई मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे का राग अलापती जो ही बड़े हॉल में दाखिल हुई, तो उसे आते देखकर तबला नवाज नंदलाल की बाँछें खिल उठी और रति ने अपनी कलाई घुमाकर मेरी नाजुक कलैयां मरोड़ गयो रे इस माहिराना धुन में अलापा कि नंदलाल के हाथ अस खुद तबला पे जम गए। चलो चलो अंतरा उठाओ, रति बाई ने गर्दन को हिलाते आंखों के जाविये तिरछे करते हुए पान मुंह में डाला तो नंदलाल ने हद तेरे की कह के तबला पर से हाथ खींच लिए। नंदू क्या हुआ बजाओ ना, जब सारंगी ही साथ न दे तो क्या बजाऊं। नंदूलाल नंदूलाल से नंदू बन गया और तुम रति से रति बाई और अब नायिका रति बाई बन गई हो। तुम्हें तो कहा था नंदू दादा बनने को, लेकिन तुम बजाने पर ही इक्तफा करते रहे। वह देख उस्ताद फजलू, ए रति जुबान को लगाम दे, अगर उसने सुन लिया ना तो आज रियाजत नहीं होगी। उस्ताद फजल कह के पुकारा करो। लो उसके पीछे पीछे सारंगी वाला भी चला आ रहा है। अब था थैया था शुरू होगा। रति उस्ताद के सामने आते ही आदाब बजा लाते हुए नंदू पे बरस पड़ी। जाओ ना जल्दी से उस काली चुड़ैल को लेके आओ रियाजत करने के लिए। काली चुड़ैल ना कहा करो, फनकार का फन उसका हुस्न होता है और वह तो अभी सीखने के मराहिल में है, पांव खूब उठाती है। उस्ताद जी वह तो आपकी बात दुरुस्त है, कद काठ टिकाल रही है, लेकिन रंगत कोयला जैसी कौन पसंद करेगा, खाम खा उस पर पैसा सर्व कर रही हूँ। कोयला ही हीरे का रूप धारता है और हीरे की कीमत जौहरी लगाते हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी रगाई रकम जाया नहीं होगी। आपकी तसल्ली बख्श बातों के बिना पर उसे अपने यहाँ अभी तक बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना औने पौने कब का उसे फरोख्त कर दिया होता। बाजार में घोड़ों के टापों से भगदड़ सी मची हुई थी, तबला सारंगी पेटी सब वहीं का वहीं धरा रह गया और हिफ्ज़ मा तकद्दुम तमाम उसात्ज़ा ने वहाँ से रफू चक्कर होने में ही आफियत समझी। रति की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या तूफान बादे बारा उमड़ आया है कि उसके खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाला बदनाम जमाना डाकुओं के खतरनाक गिरोह का सरदार रंगू दादा एक जख्मी बच्ची को रति के हवाले करते हुए बेशुमार लूटी दौलत देकर कहने लगा, इस बच्ची को फौरी डॉक्टर को दिखाओ, इस थैले में उसकी पूरी उम्र के लिए दौलत मौजूद है, देखना भूले से कोई गलती ना कर बैठना, यह बिकाऊ माल नहीं है। मेले में डाका जनी के दौरान यह मुंह जोर घोड़े के टापों तले जख्मी जख्मी हो चुकी है और सर में गहरी चोट आने के सबब बेहोश है, पुलिस हमारे ताकुब में है, फिर मुलाकात होगी, कह के रंगू दादा तो चला गया और रति जख्मी बच्ची का जायजा लेती रही। पुलिस का ख्याल आते ही उसके बदन में झुरझुरी सी आई और उसने बच्ची को एक अलग कमरे में ले जाकर उसके जख्म साफ किए और बाहर पुलिस के खतरे को कम होते देखकर अपने खुसूसी मौलिज को बुलवाया। बच्ची की मरहम पट्टी की गई, मौलिज एहतियाती तदाबीर रति के गोश गुजार करके चला गया तो रति बच्ची की खूबसूरती में खो गई। नज़दीक पड़े उसके थैले में एक गुड़िया, उसकी कंघी, आईना, सुर्खी टिकिया, पाउडर, भगवान की एक छोटी सी मूर्ति और घुंघरू निकले। रंगू दादा की दी दौलत ने उसकी आंखें चुंधिया के रख दी, उसकी सोच के दायरे वसी होते गए। वह बार बार घुंघरुओं के खराश तराश को एक टक देखे जा रही थी कि नंदू आ गया। क्या देख रही हो रति? देख नंदू, जो कुछ तुम देख रहे हो कहीं बात मत करना वरना जुबान कट जाएगी, तुम रंगू दादा को अच्छी तरह जानते हो। नंदलाल आ बैल मुझे मार वाला सिलसिला क्यों करने लगा? यह जो तुम्हारे हाथ में घुंघरू है ना, यह भेड़ बकरियों के गले में बांधे जाते हैं, कहीं तुम्हारा ख्याल उस जख्मी बच्ची को। चुप रहो नंदू, कितनी बार कहा है अपने काम से काम रखा करो, तुम्हारे मेरे अलावा किसी तीसरे को कानो कान खबर ना होने पाए, समझे? जब तक यह होश में ना आ जाए तब तक इस बच्ची का पूरा पूरा ख्याल रखना तुम्हारे जिम्मे, और खबरदार होश में आते ही मुझे इत्तला करना।
और इसे इसी कमरे में रहने देना। प्रति तहमकाना तमकिनत से नंदू को सोचों के गिरदाब में छोड़ अपने रोज़मर्रा कामों में मसरूफ हो गई और वह उसे उस रूप में जाते हुए देखकर सिटपिटा सा गया। कभी नज़र बेहोश बच्ची पे जम जाती और कभी उसके बचपन की अशिया पे गौर व खौज करते हुए उसके वारिसीन का ख्याल आता जिनसे वह कट गई थी। यह कटी पतंग ऐसे हाथों में पहुंच गई थी जहां उसके अरमानों का जनाजा तो निकल सकता था लेकिन उसके ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते थे। उसने रति में नायिका का रूप देख लिया था जो एक खतरनाक तूफान की मानिंद उस बच्ची पे अताब बनकर टूटेगा और उसके लिए सब रास्ते मसदूद होके रह जाएंगे। उसे यहाँ से ले के भागने का ख्याल आते ही रोंगटे खड़े हो गए। वह उसे कहाँ लेके जाएगा, उसका तो अपना यही ठिकाना है और वह रघुदा था। बच्ची ने हल्की सी आह भरी और नंदलाल ने अपनी तमाम तर तवज्जो उसी पर मरकूज कर दी। बच्ची ने अधखुली आंखें नंदूलाल को देखते ही भींच ली। डरो नहीं, आंखें खोलो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। यह देखो तुम्हारी गुड़िया, उसकी कंघी, आईना, सुर्खी की टिकिया, भगवान की मूर्ति और छन छन करते घूंघरू। नंदूलाल के हाथों में न जाने क्या जादू था कि घुंघरुओं की झनकार पे बच्ची ने आंखें वा की। जख्मों की शिद्दत के बावजूद उसके लबों पे मुस्कान ओढ़ कर आई। नंदूलाल उसे बहलाने में मसरूफ हो गया। बच्ची उठने की कोशिश में चकरा के फिर बिस्तर की गोली और ऊंची आवाज में कराहने लगी। उसकी आवाज दूसरे कमरे तक क्या पहुंची कि रति आग बबूला होते हुए नंदू पे बरस पड़ी कि उसे होश आ गया था तो इतला क्यों नहीं की। बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हो नंदू, यह अभी तो होश में आई है, शिद्दत दर्द से कराहने लगी, मुझे मौका कहाँ मिलता तुम्हें बताने का। अच्छा किया खुद चली आई हो, अब बताओ क्या करना है। बच्ची दोनों की गुफ्तगू सुनकर अजीब शशोपंच में पड़ गई। उसने फिर से आंखें मूंद ली लेकिन दर्द की शिद्दत चेहरे पे नुमाया थी। रति ने नंदू को इशारे से अपने पीछे आने को कहा और यूं वह दोनों उस कमरे का दरवाजा बंद करके दूसरे कमरे में चले गए। काफी खुसर खुसर के बाद फैसला यही हुआ कि 8 साल काली चुड़ैल को उसके कमरे में चंद दिन रखा जाए ताकि दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए। और फिर इसी पर अमल पैरा नंदू ने कालू को बताया कि तुम्हारी एक नई साथी कामिनी जख्मी हो गई है, उसका दिल बहलाना, चलो आओ मेरे साथ। यह कामिनी कहाँ से आई है, क्या उम्र है उसकी, वाह यह तो बड़ी खूबसूरत है, जख्मी कैसे हुई। यह 6 साल की है, तुमसे 2 साल छोटी, और यह नन्ही परी कहाँ से आई है रति बाई जानती है। सुनकर कालू की जैसे जबान गुंग हो गई हो। वह कामिनी को देखती रही और नंदू खाना लाता हूँ तुम उसके पास रहना कहके दरवाजे के पट बंद करके चला गया। कालू ने दरवाजा बंद देखा तो अपना हाथ बड़े प्यार से कामिनी के सर पर फेरा, जख्मों पे जैसे मरहम सी लग गई हो। कामिनी ने आंखें खोली और कालू के वालेहाना प्यार की बदौलत कबूतर बा कबूतर बाज बबाज की शराकत का खता खुल खुल गया। वह दोनों हल्के फुल्के अंदाज में एक दूसरे से बातें कर रही थी। कामिनी के साथ आई अशिया को कालू देख देख कर खुशी का इजहार कर रही थी कि नंदू खाना लेके आ गया। लो कालू खुद भी खाओ और कामिनी को भी अपने हाथों से खिलाकर जल्दी बिस्तर से उठाओ, फिर दोनों को सैर पे ले जाऊंगा। कालू ने कामिनी को सहारा देकर सिरहाने की जानब तकिए रख के एक एक लुकमा उसके मुंह में डाला और यूं कामिनी सेहत याब होने लगी। रति नंदू के मशवरे पे वाह वाह कर उठी, नंदू तुम भी नंदू दादा हो, मान गई। आखिर रातें गुजारते किसके पास हो, इस इलाके की मानी हुई नायिका रति बाई के पास। रंगत तो अब उभरी है दादागिरी की, नंदू दादा आज तो तुम बड़ी मेहरबान लग रही हो, थोड़ी सी मिठाई मिलेगी मुंह का जायका बदलने के लिए। देखो रति रति फिर चखा देना, आओ भाव ताव ना करना। अरे नहीं, शब भर खाते रहना नंदू दादा से मिठाई छिपा के थोड़ी रखूंगी। तुम रति का बुढ़ापा संवारो और रति तुम्हें मिठाई खिलाती रहेगी। अब तो कालू ने कामिनी को बिस्तर से उठा लिया है, रियाजत शुरू कर दे, तुम्हारा क्या ख्याल है। ख्याल तो मेरा भी यही है, लेकिन बेहतर है कामिनी के कमरे में कालू की रियाजत करवाई जाए और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़े। तुम बहुत चालाक हो ए आदमजात, बिनते हवा को नचा के रख दोगे।
क्या क्या हरबे हैं तेरे पास। जब घाघ रति घुटने टेक गई तुम्हारी चालों के आगे तो यह कल की बच्चियां, ओह तुम बहुत जाली हो, शराफत के लबादे में छिपा जहरीला काला नाग हो तुम। चलो फिर अभी बंदोबस्त करो रियाजत का, मैं सारंगी पेटी वाले उस्तादों को देखती हूँ। तुम कालू को बता के अपना तबला भी लेते आओ। अब उठ जाओ, या मुझे नजर लगाने का इरादा है। नंदू खिसियानी हंसी में बत्तीसी निकाले जर्द जर्द मांस खोरे दांतों की नुमाइश करते हुए अगले मरहले के लिए कदम उठा चुका था। थोड़ी ही देर में असबाक रक्कासी शुरू हो गए और कामनी उन सबको एक टक देखते हुए कालू की तरबियत पर गौर कर रही थी, जो पाँव में घुंघरू बांधे रक्स के लिए उस्तादों के इशारों पर नाच रही थी। ता तई तई अन तक ताम तिक तक ताम तई तई अन तिक ताम के बाद गर्दन और आंखों की हरकत और सपनात का दूसरा दौर शुरू हुआ और कामनी भी कालू के तमाम हद खाल को मुतहरिक देखकर गैर इरादी तौर पर अस खुद उसकी नकल करती जा रही थी। दूसरे दौर में फिर से तुम ता तई तई अन तिक ताम तिक तक ता तई अन तिक ताम पे उस्तादों ने कालू को शाबाश देकर उसे सराहा। कामिनी ने सोचा कि यह काम तो वह भी कर सकती है। कालू का अगला सबक सर गर्दन और आंखों का रक्स करना था। उस्ताद ने कहा, अब अपना सर ऊपर उठाकर नजरें भी ऊपर करें और फिर गर्दन हिलाते हुए नजरें अपनी दाई जानी फिर बाई जानी फिर ऊपर बाएं दाएं ऊपर दाएं बाएं ऊपर बाएं दाएं शुरू कर दो। खलान को ता को ता तिकी ना तुम ता तई ओ तक ताम तिकी तक ता तई अन तक ताम पर सब तालियां बजाने लगे और कामनी भी फरते जज्बात में कालू की चाबुक दस्ती पे खुशी का इजहार कर रही थी। नंदू ने आंखों ही आंखों में रति को मुस्बत पैगाम दिया तो वह कालू की बलाएं लेने लगी। कामनी को रति का यह रूप बड़ा भला लगा और वह भी उस नायिका के हिसार में आ गई। इस बाग में हर रोज की रियाजत में कालू और कामनी एक दूसरे से बढ़कर अपने फन का जौहर दिखलाने लगी। दोनों के कदकाठ इस मुकाम तक पहुँच गए जहाँ उनके नाजो अदा के जाल में कोई भी गिरफ्तार हो सकता था। यही वह मौका था जिसके लिए उन पर मेहनत की गई थी। फनकार का फन और चाहने वाले एक ही छत तले रात गए तक अपनी अपनी तस्कीन के लिए एक दूसरे से बखूबी आशना हो चुके थे। रोज़ाना महफिल जमती और कभी कभार न चाहते हुए भी नाचना पड़ता, जो कामनी की नाजुक तबीयत पे गिरा गुजरता। कभी रति बाई के रूप में परस्तारों की राल टपकती देखकर कहती, आज बेबी कामनी की तबीयत नासाज है, कालू से गुजारा कर लीजिए, और हर जानिब से नहीं नहीं की सदाएं उभरती जिस पर कामनी की हिम्मत में इजाफा होता गया और मन चलों ने सेगाए राज में एक दूसरे से बढ़कर उसकी नत उतरवाही की बोलियां लगाना शुरू कर दी, जिस पर रति इतराते हुए कहती, सब्र करें बेबी को नहा तो लेने दें, फिर देखेंगे उसे ताज कौन पहनाता है। इतनी मुद्दत से उसके पर्दाए बुकारत की हिफाजत पे मामूर रही हूँ, मुझे भी तो कुछ इनाम मिलना चाहिए, यह मुफ्त का माल थोड़ी है, जिसका जी चाहे हड़प कर ले। रसीला फल है, इसे खरीदने के लिए अपनी तिजोरियों के कुफल खोल के देखो, इसे खरीदने की हिम्मत है भी या हवा में बातें करते फिरोगे। पर रति के आखिरी अल्फाज सुनते ही हर कोई सुबह काजिब के मलगजी झड़कों में उम्मीद और यास की सोचों में मुस्तफरक अपने अपने रास्ते नापने लगा और रति ने नंदू को एक और काम सौंपा कि किसी न किसी तरह कामिनी की नथ उतरवाई का बंदोबस्त किया जाए जिस पर कामिनी उठ तक न करे और वह महंगे दामों बिक भी जाए। वाह रे आदमजात, तू बिनते हव्वा को अपनी तस्कीन के लिए खरीदता भी है और उसकी इज्जत को तार तार करके हर एक के सामने नचवाता भी है, अपने फख्र तकब्बुर के लिए ज्यादा से ज्यादा बोली लगाता है और अपनी कुव्वत पाह की कमी के बावजूद सिने बुलुग़ की सीढ़ियों पर कदम रखने वाली नाजुक अंदाम हसीनाओं को एक रात की दुल्हन का जेवर पहनाकर अपनी दस्तार का चमड़ा ऊंचा देखना चाहता है। रति क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, जाओ नंदू अपना काम कर, जब सब कुछ राह रास्त पे आ जाए तो मुझे बता देना, मैं नहीं चाहती कि बेबी पे जबर किया जाए।
लेकिन अगर रंगू दादा को खबर हो गई तो वह कब का कहीं मर खप गया होगा। अगर जिंदा होता तो बेबी के जवान होने तक एक बार भी इधर का चक्कर न लगाता। लेकिन रति, वह कामिनी के लिए इतनी दौलत तुम्हें दे चुका है जिस पर तुम सारी जिंदगी आराम से बसर कर सकती हो, फिर बेबी को फरोख्त करने की वजह मुझसे पूछते हो? जाओ उन उमरा से पूछो, जाकर जो दुनिया के अमीर तरीन होते हुए भी दौलत की रगबत में दिन रात एक कर देते हैं। वही तो हैं जो आज शाम खरीदते हैं, उनसे खिलवाड़ करते हैं और उन पे कोई इल्ज़ाम भी नहीं आता। वही तो हैं जो सिंफ नाजुक के तमाम अरमानों को सबूतदास करके नथ उतरवाई जैसे घिनौने गैर शरी और बदफेली के किस्से दोहराते हैं और उनकी ऐसी अखलाक से गिरी हुई हरकत सकनात को देखते हुए भी कोई आवाज़ नहीं उठाता। उठाएगा भी कैसे, यह जो जर है ना बड़ों बड़ों के मुंह बंद कर देता है। फिर है ना दौलत में कुव्वत, इसीलिए तो हर कोई इसका शैदा है। अकेले रति इसकी तलबगार नहीं, तुम भी तो इसमें शामिल हो। बोलो, हर रोज मिठाई का तज़किरा तुम्हारी जुबान पे नहीं होता? मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है कि मुस्ताक तुम्हारी मासूम शक्ल में छिपी हवस अब आंखें नीची क्यों कर ली? लग गया ना जुबान पे ताला, मेरी मानो तो रंगू दादा का इंतजार कर लो। कालू की उम्र है नथ उतरवाई की, जबर जुल्म सही लेकिन वह तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए खुद को कुर्बान कर देगी। टके सेर बिकेगी कालू, क्या फायदा? इस कामनी की चाल ढाल और नखरों पे तो सबकी राल टपकती है। जब कूल्हे मटकाती हिरनी वज़ में आती है तो हर किसी का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। जरे नकद, सोने चांदी, हीरे जवाहरात इसके कदमों की धूल है। बाजार में इसके हुस्न यकता के चर्चे हैं। वह बुढ़ा खुसक बनवारी लाल है ना, जरील दुल्हनियाँ लबादे बनाओ सिंगार और सोने में लदी कामनी को सुरखाब के पर लगाकर कोहे काफ की परी बनाए शब भर नोचने के लिए अपनी बोली में सबकत ले जाने का मुसम्मम इरादा कर चुका है। सफ़ेद चादर पे पाकिजगी के जमानत चंद कतरे खून की कीमत तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा देने के लिए तैयार थे। नंदू, तुम भी एक मर्द, यह तो बताओ ना। घर में माँ बीवी बहू सब औरतों के माँ बहन रहते हुए भी हवसे मर्द क्यों असबाक नहीं लेती? घर में भी यही कुछ दोहराया जाता है, मर्द नहाया धोया घोड़ा है, जितने गुनाह मर्जी कर ले सब पोशीदा, और औरत एक ही महीने में हैज न आने से गुनाह की मर्तकब ठहराई जाती है। भले से उसको कोई बीमारी लाहक क्यों न हो, तोहमत और इल्ज़ाम उसके दामन को दागदार कर देते हैं और वह दुल्हन जिसके बिस्तर की चादर सूरज की पहली शुआ में अवाम की नज़रें खैरा न कर पाए ता जिंदगी मुआशरे से रद्द करके सोचों के मंझधार में पिसने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। हर कोई बेटे की लगन में मगन अपने वारिस की तमन्ना लिए होता है, लेकिन उसके बरक्स दुल्हन एक रात की में दिलचस्पी का न सिर्फ वालहाना इजहार करता है बल्कि उस गुनाह की लज्जत को अपनी तस्कीन समझता है। ऐसा क्यों है नंदू? अरे बिना बताए कहाँ चले गए? आखिर तुम भी तो एक मर्द हो ना, मेरी कड़वी कसैली बातें तुम्हारी तबीयत पे गिरा गुजरती हैं। थोड़ी ही देर में नंदू पान वाले की दुकान से ताज़ा पान और अखबार लेके वापस लौटा तो जुर्म व सज़ा के सफ़ा पर नज़र जम के रह गई। तेज तेज कदम उठाए फूली सांसों से भर्राई आवाज़ में रति रति कहे जा रहा था। कुछ बकोगे भी या रति माशा तोला की गर्दान तवील तर करोगे? वह बाहर निकल आया। कौन? यह देखो अखबार, रंगू दादा 10 साल की सजा भुगत के बाहर आ चुका है। मैं न कहता था रुक जाओ, कामनी की नथ उतरवाई अभी मत करो। हाय हाय तुम्हारे मुंह में खाक, काली जुबान वाले नंदू तुम्हारा बेड़ा गर्क, कभी काम की बात नहीं करेगा। अब तुम ही बताओ बनवारी को क्या जवाब दूंगी, उसने तो कल के लिए पैगाम भेजा है। अब सोने की चिड़िया हाथ से निकल गई तो फिर कहाँ से मिलेगी इतनी दौलत? हाय नंदू, यह रोना धोना छोड़ो, उस लाला बनवारी लाल ने कौन सी कामनी की शक्ल देखी हुई है? आज वह मालो दौलत किसी के हाथ भेजेगा, वसूल कर लो। फिर क्या होगा नंदू, जल्दी से बता मुझे, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। फिर क्या होगा? फिर निष्पेशब किसी और को पेश कर देंगे कामनी की जगह, कोई और सफेद चमड़ी का सिक्का चला दूंगा। तुम परेशान मत, लाला की ऐनक उतर जाएगी। तुम आज कोठे की बाहर वाली सुर्ख बत्तियां रोशन मत करना और ना ही रियासत के लिए लड़कियों को बुलाना। उस्तादों को छुट्टी का कह के वापस आता हूँ।
नंदू तो चला गया लेकिन रति की जान पे बनी हुई थी। यह कलमुहा रंगू रंग में भंग डालने इस वक्त जेल से क्यों रिहा हो? इसी सोच में सीढ़ियों पे किसी के चढ़ने की आवाज़ ने उसके जिस्म में लर्जा दारी कर दिया। आने वाहिद उसके सामने रंगू दादा जब आवारिद हुआ तो रति के चेहरे पे जर्दी छा गई। क्यों रति बाई, मेरी रिहाई का जश्न नहीं मनाओगी? हमारी दी हुई अमानत अभी 16 साल की दोशीजा बन चुकी है, कहीं उसे फरोख्त तो नहीं कर डाला? नहीं नहीं रंगू, तुम्हारी अमानत में खयानत का मतलब खूब जानती हूँ। बुलवा दूँ उसे यहाँ या कमरे में मिलोगे? यहाँ नहीं, उसके कमरे में तुम चलो, ताकि उसे देखते हुए उसके बचपन का मेले से खरीदा हुआ सामान भी देख सके। हाँ, रंगू के अल्फाज अभी रति के मुंह से अदा हुए ही थे कि किसी ने दरवाजे पर आवाज़ दी। लाला बनवारी लाल का खादिम हाजिर होने की इजाज़त चाहता है। फौरी रति ने जवाब दिया, रुकिए, मैं आज खुद खुश आमदीद कहने दरवाज़ा वा करने आती हूँ। और साथ ही रंगू के पांव पकड़ते हुए उसने इस्तदा की कि उसे माफ़ कर दीजिए रंगू दादा, यह लाला बनवारी लाल बावजूद मेरे मना करने के ज़बरदस्ती तुम्हारी अमानत में खयानत की। भारी रकम देने के लिए अपने आदमी को इस कोठे की सीढ़ी तक पहुँचा चुका है। कोई बात नहीं, रकम वसूल कर लो, आपस में तकसीम कर लेंगे। पर रति की जान में जान आई और उसने रंगू दादा को बगली कमरे में बिठा दिया और लबादा रूसी सोने के जेवरात हीरे की अंगूठी और अशरफियों से भरी थैलियाँ रति ने देख कर दूध में ताज़ा पान डाले मुस्कुराहट देते हुए कहा कि लाला जी को रति का आदाब बजा लाते हुए पैगाम देना कि कामनी के मरमरी बदन को खूब संवार कर कमराए उरूसी में मुसहरी पर बिठा दिया जाएगा। कल हस्ब वादा निसफ शब अपने हाथों से उसकी नथ उतार कर उसे शब भर के लिए अपनी बना ले। पैगाम खास लिए खादिम चला गया और रंगू बगली कमरे से बाहर आया। रति उसे देख के कामनी के कमरे में गई। कामनी की जवानी को एक टक देखे रंगू की आंखों में न जाने कौन से शोले भड़क उठे। कामनी की चारपाई से मुलहक अलमारी में उसके बचपन की यादें अभी तक महफूज थी, लेकिन उसकी याददाश्त सर में शदीद चोट की बिना पर अपनी पुरानी जिंदगी को खैरबाद कर चुकी थी। उसे अगर याद था तो सिर्फ इतना कि वह रति को एक जानने वाली मरहुमा दोस्त की बहुती औलाद है। रंगू एक मुस्कुराहट के साथ उस कमरे से वापस हॉल में आ गया। रति उसे देखे जा रही थी कि रंगू ने उसे दिलासा दिया कि लाला को खूब लूटो, उसकी सारी जायदाद हजम कर लो, कामनी बहुत खूबसूरत है, अब मैं भी तुम्हारे पास रहूँगा। के अल्फाज क्या अदा हुए नंदू अंदर दाखिल होते ही हवास बाख्ता हो गया, कान खुजाते बाहर की राह लेने लगा तो रंगू की भारी भरकम आवाज़ भेजी, तुम अब कहीं नहीं जाओगे, इधर ही रहो और कामनी को अच्छी तरह दुल्हन बना डालो ताकि लाला अपनी हवस पूरी कर ले। आज की रात जैसे गुजरी वह रंगू बेहतर जानता था और सुबह होते ही कामनी की नथ उतरवाई की तैयारियां शुरू हो गई। कामनी को यही बताया गया तो उसकी सालगिरह की रस्म अदा होगी। कालू भी उन तैयारियों में शामिल थी और दिल में एक हैरत पनप रही थी कि उसकी सालगिरह पर तो कभी इतने कीमती तहफ़ उसे नहीं मिले। हर तोहफा देखते रात हो गई, आज भी सुर्ख बत्तियाँ रोशन न हुई और तमाशबीन आ कर वापस जाते रहे। नंदू ने हर एक को कल शब आने का पुस्ता सुनाया और लाला की सवारी के इंतज़ार में इंतज़ार करने लगा, लेकिन उसे रंगू दादा की इस तरह खामोशी समझ नहीं आई। फिर ख्याल आया कि जेल से रिहा हुआ है, कौड़ी कौड़ी का तरसा, अपनी दादागिरी भूल अपना खर्चा पानी बनाने की फिक्र में सरगर्दा है। चलो, रति का मसला तो हल हुआ, रति खुश तो हमारी मिठाई भी मिलती रहेगी। नंदू इज़्तिरारी हालत में जमाई पे जमाई लिए जा रहा था और कभी कभार मिठाई की चाशनी में अंगड़ाई भी जन्म ले रही थी कि लाला बनवारी लाल की सवारी आन पहुंची। चावलों की माया लगी दस्तार का शिमला और दुल्हा का लिबास तंजेब किए बग्घी से जरी कल्ला लगे सलीम शाही ने पांव काली पे आते की एक तमकिनत फातिहाना लाला के चेहरे पे आया हुई तो नंदू ने खालिस आदाब शाही को मलहूज खातिर रखते हुए सीढ़ियों से ऊपर तक उसकी हिफाजत में कोई दकीका फरोगजाश्त न रखा। दरवाज़ा पर रति ने झुककर मुस्कुराहट देते हुए दुल्हा को खुशामदीद कहा तो लाला ने अशरफियों की भरी थैली उसके सर पर वार दी।
जो आंख झपकते नंदू ने उठा ली। रंगू बगली कमरे में खुद पे काबू पाए लाला की तमाम हरकतों से नाथ बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन वह खुद को नुमाया नहीं कर रहा था। लाला को बड़े करोफर से कामनी के कमरे की तरफ ले जाया जा रहा था। कामनी ने अचानक दरवाजा खुलते ही एक नज़र किसी को उसकी जानिब कदम बढ़ाते देखकर हल्की सी चीख मारी तो बाहर से दरवाज़ा बंद हो गया। नंदू ने फौरी तमाम चिराग बुझा दिए। कामनी मुसहरी पे दुबक गई, सहमी सहमी सी। कौन है, कौन है, मुझे बचाओ, कहे जा रही थी, लेकिन कालू को तो उससे बहुत दूर किसी ऐसे कमरे में सुलाया गया जहाँ उसकी आवाज़ तो क्या कामनी की भनक तक नहीं पहुँच सकती थी। नंदू और रति दोनों कान लगाए अंदर की सिसकियों को सुन रहे थे और दिल ही दिल में एक ख्याल उभर रहा था कि थोड़ी ही देर में कामनी की नथ उतर जाएगी और वह बहुत सी दौलत के मालिक बन जाएगी। इतने में रंगू दादा ने एक झटके से दरवाज़ा खोला और चिराग रोशन करके लाला बनवारी लाल को ललकारा। देख लो लाला, तुम अपनी बेटी को नंगा करके हवनकों की मानिंद हवस पूरी कर रहे हो। याद करो वह दिन जब एक कमसिन लड़की तुम्हारे यहाँ चंद सेर गंदुम लेने गई थी तो तुमने उसी गंदुम के ऊपर उसकी इज्जत तार तार करके उसे गंदुम का एक दाना दिखाकर कहा था कि इस दाने को देखो, इस पर भी एक निशान बना हुआ है जो यह जाहिर करता है कि ऐसे दाने खाए जाते हैं। वह लड़की तो डूब के मर गई, लेकिन तुम्हारे यहाँ नौकरी करने वाले ने सारी दास्तान जब उसके मासूम भाई को सुनाई तो वह पागलों की तरह जंगलों में भटकता रहा। वही रंगू दादा तुम्हारे सामने खड़ा है कमीने। कामनी के नीम बरहना बदन पर अपनी चादर डालते हुए उसने खंजर लहराया तो नंदू रति की सांसें मुतवाजन न रह सकी। एक कोने में खड़ा हो जा हवस के पुजारी, तुम्हारी आंतें तुम्हारे जिस्म में नहीं रहेंगी। खंजर का वार करने के लिए हाथ उठाया ही था कि कामनी रंगू की चादर अपने बदन पर लपेटे ऐन वस्त्र में हाथ फैलाए इल्तिजा कर रही थी। मेरे पिताजी को न मारा जाए, इसे मेरे उन बचपन के खिलौनों के साथ सारी जिंदगी अजाब सहने के लिए छोड़ दिया जाए। बहन के अवस कामनी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी तुम्हारी खादमा बन के गुजारेगी। रंगू का हाथ वहीं का वहीं रुक गया और आंसुओं का एक रेला उसकी आंखों से जारी हुआ, जिनको रंगू की दी हुई चादर से पोंछते हुए कामनी ने घुंघरुओं को एक टक देखा। अपने पपोटों से मस्क करते हुए घुंघरुओं के अंदर बजने वाले गोल मटोल मनका की साख्त का बगौर जायजा लेते हुए अपने बेरिया हाथों की जुम्बिश से झनकार पैदा करते हुए पूरे तौर उसमें मुद्रम होते हुए रंगू को इजाज़त दी कि वह दुल्हनिया की मुसहरी पे आने का हक उसे बखुशी अपनी मर्जी से तफवीज़ करती है। तमाम शुक्रिया।